दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से पूछा है कि दिल्ली सरकार ने जो पैसे एमसीडी को दिए थे वो कहां गए। एक साल में सैलरी नहीं मिलने पर एमसीडी में चार बार हड़ताल हो चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं चल रही है तो वो इसे भंग करके दोबारा चुनाव करवाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार के पास में दिल्ली नगर निगम का कोई पैसा बकाया नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। कर्मचारियों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। दिल्ली सरकार को जितना पैसा देना था वो इस बार वक्त से पहले दे चुकी है, बल्कि पिछले बार तक जब तक एलजी साहब का शासन था और उससे पहले कांग्रेस के शासन में भी जो पुराने लोन थे नगर निगम पे, इधर से ग्रांट दी जाती थी, उधर से उसमें काट लिया जाता था। इस बार हमने कहा कि नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह में कमी नहीं आनी चाहिए, कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे में कमी नहीं आनी चाहिए। हमने एक पैसा भी लोन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया। हमने कहा लोन बाद में चुका देंगे, लोन बाद में आ जाएगा, नगर निगम से बाद में चुकता हो जाएगा, अभी पूरा पैसा दो। तो पूरा पैसा दिया, एक पैसा भी लोन के अगेंस्ट नहीं काटा, जो कि प्रैक्टिस थी पिछले सालों में, लगातार ये लोग काटते रहे थे। उसके बावजूद कर्मचारियों को भड़का के कूड़ा फेंकवाया जा रहा है हमारे घर के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने। जो लोग नगर निगम को चला नहीं सकते, जो लोग दिल्ली को साफ नहीं रख सकते, जो लोग अपने नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते, उन लोगों को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी अपील है केंद्र सरकार से कि ऐसे नगर निगम को भंग करके दोबारा वहां पे चुनाव करवाए जाएं। जब तक ये नहीं भंग होगा, ऐसी टीम पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, दिल्ली को साफ सुथरा रखने में नाकाम हो चुकी है, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने में नाकाम हो चुकी है और पैसे का हिसाब किताब रखने में नाकाम हो चुकी है। ऐसी टीम को तुरंत भंग कर दिया जाए जो झूठा प्रचार कर रही है लगातार।